एनटीटी शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो एनटीटी का जो मामला है हमने जरूर प्रयास किया कि आखिर उस पर अब क्या फर्दर कार्यवाही की जा रही है। तो यहाँ पर अधिकारियों द्वारा यही कहा जा रहा है कि एनटीटी को लेकर फाइल मूव हो चुकी है और अब ये डाटा खंगालने में अधिकारी जुट चुके हैं कि कितने हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो एनटीटी से मान्यता प्राप्त एनसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक है और उसके आधार पर अब एनटीटी की जो भर्तियां हैं वो प्रदेश में आने वाले समय में की जाएगी। तो फिलहाल सरकार के डायरेक्शंस के बाद अधिकारियों ने इसका प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है और अब नए नियमों के तहत किस तरह से इन भर्तियों को किया जाना है ये 15 दिन के अंदर जो है वो हो सकता है कि स्थिति स्पष्ट हो जाए। तो फिलहाल क्योंकि ये लंबा इंतजार है, अब देखना होगा कि ये लंबा इंतजार कब खत्म होता है। भर्तियों के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे दर्शक हमारे से सवाल कर रहे थे, तो भर्तियों को लेकर फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि किस तरह से जो है वो रिजल्ट लोक सेवा आयोग यहां पर निकालेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास अभी तक जो भर्तियां हमीरपुर चयन बोर्ड में की गई थी जिन भर्तियों का रिजल्ट पेंडिंग था, फिलहाल अभी तक लोक सेवा आयोग के पास वैसी फाइल नहीं पहुंची है और लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट निकालने का एक जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया है। तो अब आने वाले समय में हालांकि टीचर्स की कई भर्तियां हैं, क्लर्क की कई भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट अंतिम चरण पर था, तो अब ये जरूर कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में विजिलेंस की ओर से ये फाइल सौंप दी जाएगी लोक सेवा आयोग को, उसके बाद भर्तियों का जो रिजल्ट है वो निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो अपडेट है कि लोक सेवा आयोग के पास हमीरपुर चयन बोर्ड के जो पेंडिंग रिजल्ट है उसकी फाइल नहीं पहुंची है, उसका रिकॉर्ड नहीं पहुंचा है। तो जैसे वो रिकॉर्ड पहुंचेगा उसके बाद भर्तियों का रिजल्ट निकलना शुरू होगा। तो आप शुरुआत हम ड्राइंग टीचर से करना चाहेंगे क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोश में ये आ गए हैं, नाराज सरकार से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से बाकी शिक्षकों के पदों को भरने का फैसला लिया गया है वैसे ही इनकी श्रेणी पर भी गौर फरमाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें टीजीटी जेबीटी और शास्त्री के पदों को भरने की बात हुई है, लगभग ये 5291 के करीब पद भरे जाएंगे। इसमें यहां कला अध्यापकों का कोई भी पद नहीं भरा जा रहा है, इन पदों को भरने के लिए कोई स्वीकृति दान क्यों नहीं की गई, ये इनकी ओर से नाराजगी जताई जा रही है और इसी नाराजगी के चलते ये बड़ी आक्रोश रैली निकालने वाले हैं 23 मई को। 23 मई को ये सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं जिसमें इनका मानना है कि इससे पहले कई दफा ये सीएम सुक्खू से भी मिले, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मिले, महज इन्हें आश्वासन ही दिए गए कि जल्दी ही इनके पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, फिर इनके श्रेणी में पदों को निकालने की बात हुई थी लेकिन इसे लेकर भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। और तीसरी बड़ी बात, ये 100 बच्चों की कंडीशन हटा दी जाए स्कूलों से, ये भी लगातार मांग उठाते आए हैं, इस पर भी कोई फैसला कैबिनेट में नहीं लिया गया। तो ये काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, नाराजगी इन्होंने जताई है और इसी नाराजगी के चलते अब ये आक्रोश रैली निकालने वाले हैं और सचिवालय का घेराव करने वाले हैं। अध्यापक संघ से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान हैं इन्होंने आभार जताया है राज्य सरकार का। हाल ही में कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 5291 के करीब पद भरे जाएंगे, ये टीजीटी जेबीटी और शास्त्रीय अध्यापकों के पद भरने की बात हुई है। इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है क्योंकि लगभग 15,000 के करीब अभी पद खाली चल रहे थे शिक्षा विभाग में, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू करना काफी जरूरी था, इसे लेकर फैसला लिया गया है। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है अब वहां छात्रों को शिक्षक मिल पाएंगे, विशेष तौर से टीजीटी और जेबीटी के शिक्षकों की काफी कमी हो रही थी और शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं शिक्षकों के पदों से भरने की यहां पर की गई है। दूसरी बड़ी बात, अभी पिछले कल शाम को ही लिस्ट सामने आई थी जिसमें 401 प्रवक्ताओं के पदों पर प्रमोशन को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि टीजीटी वर्ग को ये बड़ी राहत दी गई है क्योंकि अब प्रवक्ता के पद पर ये प्रमोट होने वाले हैं और 401 के करीब ये लिस्ट है, तो इस फैसले का भी उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन साथ ही साथ 3 से 4 बड़ी डिमांड्स भी उठाई है। एक तो ये कि 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो शिक्षक अपना पूरा कर चुके हैं उन्हें रेगुलर कर दिया जाए। दूसरी बात इन्होंने प्रिंसिपल्स को लेकर उठाई है कि जो प्रिंसिपल प्रमोट हुए हैं प्लेसमेंट के आधार पर 2017 से लेकर इन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है और बाकी वित्तीय लाभ से भी इन्हें वंचित रहना पड़ रहा है, तो एक तरह से इन्हें नियमित किया जाए, यानी कि ये रेगुलर तौर पर अब प्रमोट होने चाहिए और जो हो चुके हैं उन्हें भी रेगुलर प्रमोटी के ही लाभ यहाँ पर दिए जाए। तीसरी बड़ी बात
इन्होंने एसएमसी शिक्षकों को और कंप्यूटर शिक्षकों की पॉलिसी को लेकर कही है कि स्थायी नीति की ये मांग कर रहे हैं, तो इनके लिए बनाई भी जानी चाहिए क्योंकि काफी संख्या में अब एसएमसी शिक्षक भी हो गए हैं, कंप्यूटर शिक्षक भी, एक तरह से इनका शोषण हो रहा है, या फिर बाकी टीचरों के तर्ज पर इन्हें सम्मानजनक वेतन यहाँ पर प्रदान कर दी जाए। हालांकि साथ ही साथ एनटीटी भर्ती को लेकर भी मांग उठाई गई है राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष की ओर से कि एनटीटी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए। जो ऑप्शन यहाँ पर एक तरह से दी जा रही है सरकार की ओर से कि एक साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स नियुक्ति से पहले करवाएंगे, उसका भी इन्होंने स्वागत किया है कि कोई रास्ता खोज निकाला है वर्तमान सरकार ने, ये अपने आप में बड़ी बात है, ये कहना था वीरेंद्र चौहान का।